हम लोग फिर आ गए अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग अपनी कार में मॉड करने वाले हैं। तो मैं बता दूं, आज हम लोग अपनी कार में DRL इंस्टॉल करने जा रहे हैं। मैंने अपनी स्कूटी में भी DRL इंस्टॉल की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए उससे देख लीजिए। तो मैं आप सबको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि हम लोग अपनी यही LEDs इंस्टॉल कर रहे हैं अपनी कार में। तो मैं बता दूँ, जो हमने स्कूटी में इस्तेमाल किया था उसमें डॉट 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 टाइप की LEDs थी, लेकिन इसमें बिल्कुल एक सीधी जैसी नॉर्मल कारों में होती हैं वो LEDs हैं। इसमें हम लोग ब्लू कलर की इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं बता दूँ, ये कुछ हम लोग बोनट पे लगाएंगे उल्टी करके, तो जिससे बोनट जब बंद होगा तो हमारी हेडलाइट में लाइट बिल्कुल ऐसे फैलती हुई दिखेगी, वैसे ही लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं फाइनल लुक थोड़ा दिखा देता हूँ कि कैसी लग रही है, बाहर दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। तो चलिए सबसे आपको पहले वो दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी कार। तो आप देख सकते हैं, नॉर्मल अगर हमारी कार खड़ी होगी, इसकी पार्किंग लाइट नहीं जल रही होंगी, तो कोई कुछ कह नहीं सकता कि हमने इसमें कोई DRL इंस्टॉल की है यहाँ पे या लाइट लगाई है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन लुक आया है। तो दोस्तों, तो आप लोगों ने फाइनल लुक देख लिया है। तो बस अब एक छोटी सी दिक्कत हो गई, जो मैंने इंस्टॉलेशन की पूरी वीडियो बनाई थी वो मेरे से पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गई है। तो अब मैं आपको, इंस्टॉल पूरी हो चुकी है, अब आपको मैं लेकिन सब चीज़ बता देता हूँ। उससे पहले आप लोग वायरिंग डायग्राम देख लीजिए, फिर चलते हैं अपन अपनी कार की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारा वायरिंग डायग्राम है, बहुत ईजी सा है, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो मैं बता दूं, ये हमारी चार LEDs हैं जो हम DRL के इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी नॉन ड्राइविंग साइड वाली हेडलाइट का है और ये नॉन ड्राइविंग साइड वाली हेडलाइट का। तो अब हम इन सबको कनेक्ट करके वायर एक्सटेंड करेंगे। ये पॉजिटिव वायर है और ये नेगेटिव, सेम इसके साथ ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो अब हम इन दोनों LEDs के जो नॉन ड्राइविंग और ड्राइविंग साइड वाली हैं उनके कनेक्ट करेंगे वायर, और नेगेटिव वाले को हम डायरेक्ट अपनी बॉडी से कहीं भी टच करके ग्राउंड दे देंगे उसको। तो आप देख सकते हैं हमने इसको ग्राउंड दे दिया, और पॉजिटिव वाले को कनेक्ट करेंगे और वायर एक्सटेंड करके हम लोग अपनी हेडलाइट असेंबली तक ले जाएंगे, और इसके पार्किंग स्विच वाला तार ढूंढेंगे कि जब हम पार्किंग स्विच ऑन करते हैं तो हमारी DRL भी ऑन हो, उसके लिए तो हम वो तार ढूंढेंगे। हमने वीडियो में बताया है कि कैसे आप ढूंढ सकते हैं अगर आपके पास I10 नहीं है, और अगर आपके पास I10 है तो मैं सीधे बता देता हूँ, वाइट कलर का तार होता है जिसमें येल्लो कलर की ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, तो वही तार होता है। तो हम उसको हल्का सा छीलेंगे और डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। तो बस यही छोटा सा वायरिंग डायग्राम था, कुछ ज़्यादा था नहीं। तो चलिए अब हम सीधे अपनी कार की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, वायरिंग डायग्राम आपने देख लिया है, तो चलिए हम अपनी कार को पहले खोलते हैं फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी DRL इंस्टॉल करने से पहले आप लोग ये डिसाइड कर लीजिएगा कि हमें अपनी पार्किंग स्विच से देना है कनेक्शन, या फिर हमें अपना अलग, कि मतलब जैसे चाबी ऑन करें इग्निशन से देना है। मैंने इसमें पार्किंग लाइट का दिया था क्योंकि दिन में इतनी दिखती नहीं है इनका, तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने पार्किंग स्विच से दिया था। तो मैंने अपना ये ड्राइविंग साइड वाली हेडलाइट से कनेक्शन दिया है, आप चाहें तो नॉन ड्राइविंग से भी दे सकते हैं। तो मैंने इधर से इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ से इतनी आसानी से ये खुलता नहीं है, पीछे ये फ्यूज़ बॉक्स में फंसता है, इसलिए मैंने इधर से नहीं दिया, इधर से ये आराम से निकल जाता है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि ये हमारा इग्निशन स्विच का वायर है या फिर हमारी पार्किंग लाइट का वायर है। सबसे पहले अपने मेन हेडलाइट वाले स्विच को निकालिएगा बाहर। तो देखिए, ये आसानी से निकल जाता है खींच के, तो ये आसानी से निकल आया है वायर। तो मैं बता दूं, आप लोगों को पता करना है तो उसके लिए ये कुछ तार होते हैं, देखिए एक ये लगा है, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे करके सारे वायर होते हैं। तो अब आप एक और LED ऐसी लीजिएगा, जैसे कि मैंने ये वैसे ही ब्लू कलर की LED ले ली, आपके सामने देख सकते हैं आप। तो इसका नेगेटिव आप सीधे बॉडी से कहीं टच कर दीजिएगा और हर एक प्रोंक में आप डाल के देखिएगा अपनी पार्किंग लाइट जला के कि LED जल रही हैं कि नहीं। जब जैसे जलने लगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा उसी से है, पार्किंग लाइट से। मैंने आपने वायरिंग डायग्राम में दिखा दिया था, अगर आपके पास हुंडई की कार है क्यों I10 के आसपास, तो उसमें नॉर्मल वाइट कलर का तार ही होता है जो पार्किंग लाइट का होता है। तो मैंने फिर इसको खोला था इधर से थोड़ा सा, और वाइट कलर के तार को हल्का सा छील के अपना ये लगा दिया था, काटा नहीं था, तो मैंने बस छील के ये तार लगा दिया था। और ये देखिए, पीछे से ऐसे लेके यहाँ निकला है हमारा तार। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे अपना पॉजिटिव वायर तो निकाल लिया है, आप देख सकते हैं आसानी से ऐसे ही निकाल लिया था मैंने यहाँ तक, जिससे हमें पता चल गया कि हम अपनी पार्किंग लाइट ऑन करेंगे तो हमारे ये कनेक्शन में भी करंट आएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव वाला वायर है, और मैंने अपनी DRL को यहीं से नेगेटिव दिया है।
तो अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम पूरे ये कनेक्शन करेंगे, यहाँ तक लाएंगे। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले अपनी LEDs को अपने बोनट में सेट करेंगे। चारों LEDs को देखिए हमने अच्छे से बिल्कुल सेट कर दिया है। कोशिश करिएगा कि ये हेडलाइट के ऊपर ही हो, जिससे लाइट हेडलाइट के ऊपर ही लगे। तो देखिए ये कनेक्ट हमने तार किए इन चारों के एक, और हम इस बोनट को इसके अंदर से ले गए हैं। देख सकते हैं इसके अंदर मैंने बोनट के कर दिया है। सेम हमने अपनी इस LEDs के साथ भी किया, पहले स्टिक किया, देखा हमारी हेडलाइट के ऊपर आ रही हैं और इसको कनेक्ट करके इधर से गए हैं बोनट के अंदर, इसको भी कर दिया है। और एक लोहे के तार की मदद से मैंने अपना वायर इधर से लाते हुए और इधर से लाते हुए दोनों को बाहर निकाल लिया है और यहाँ पे कनेक्ट करके एक वायर बना दिया है और यहाँ पे सेट कर दिया है। और फिर इस तार को आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हम यहाँ से ले जाते हुए अपनी हेडलाइट असेंबली तक के लिए और यहाँ से ले गए हैं। और DRL के लिए हमने नेगेटिव यहाँ से दे दिया है और पॉजिटिव हमने अपनी इस हेडलाइट असेंबली से दे दिया है, आपको जैसा बताया था मैंने। सेम बहुत ईजी सा स्टेप है, यहाँ पे पूरा कनेक्शन हो गया है। तो एक बार मैं आप लोगों को हेडलाइट मतलब अपनी पार्किंग लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, जिससे हमारी DRL भी चालू हो जाएगी। तो चलिए दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपनी पार्किंग लाइट चालू कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं अब हमारी DRL कैसी जल रही हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी चारों LEDs यहाँ पे काम कर रही हैं और इस तरफ की भी काम कर रही हैं, तो ये बहुत ब्राइट टाइप की हैं, बढ़िया हैं। तो चलिए अब इसको बंद करते हैं और आपको रात का सीन हम एक बार दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये रात का टाइम है, आप देख सकते हैं ये ड्राइविंग साइड वाली हेडलाइट है। तो ये कुछ LEDs ऐसी लग रही है, कैमरा उतने अच्छे से जेस्चर्स नहीं कर पा रहा, पर ये लग बहुत अच्छी रही है वैसे, आप देख सकते हैं। और ये है नॉन ड्राइविंग साइड की, इसमें ज़रूर डॉट डॉट आपको हल्की फुल्की दिख रही होंगी, पर असली में इतनी डॉट नहीं दिख। DRL इंस्टॉल हो गए इतनी आसानी से, कुछ ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी, ना हमें महंगी पड़ी। मैक्सिमम हमें 150 से 200 रुपये में पूरी हमारी DRL इंस्टॉल हो गई। और ब्लू कलर मेरी कार में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी DRL में। तो और अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी वाइट कलर वाला ही वो चाहिए, तो मैं लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो भी सेम ऐसे ही DRL है, मतलब वो नॉर्मल DRL एक ऐसी स्ट्रिप है पूरी वही है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे। उसमें आपके टर्न इंडिकेटर्स भी हैं मैट्रिक्स वाले, तो वो आप चाहें तो वो ले सकते हैं। और कनेक्शन पूरा ऐसे ही आप चेक करके अपने में लगा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। तो कमेंट में आप बताइएगा कि अब आपको कार की DRL कैसी लग रही है। अगर मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे अगली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगी। और मेरे चैनल की सारी वीडियो भी जाके चेक कर लीजिए, आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।